आपको आज एक ऐसी खबर बताएंगे जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। किसी का ख्वाब होता है चांद पर जाना, तो किसी का मंगल ग्रह पर, तो कोई आदमी दूसरी नायाब जगह तलाशता है रहने के लिए। चीन के कॉकरोचों ने भी कुछ ऐसा ही सोचा और जा बसे एक इंसान के कान में। जी हाँ, चीन के 24 साल के आदमी के कान में कॉकरोचों ने घर बना लिया था, जिसकी भनक तक नहीं लगी उसे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कान इंसान के शरीर का बेहद संवेदनशील अंग होता है। कान में जरा सी भी तकलीफ इंसान को असहज कर देती है। चीन के 24 साल के एलवी की दांत देनी होगी, जिसके कान में कॉकरोचों ने घर बना लिया और उन्हें कानो कान खबर नहीं हुई। चीन के हुईजो में रहने वाले मिस्टर एलवी के कान में तेज दर्द के कारण रात को नींद टूट गई। दर्द बढ़ने पर उन्होंने अपने परिवार को जगा दिया। इसके बाद वे अस्पताल गए। उन्होंने डॉक्टर को बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि कान में कुछ रेंगते हुए उसे कुतर रहा है। इसके बाद शुरू हुआ जांचों का सिलसिला। हुआंग जिले के स्नेह अस्पताल में डॉक्टर ने जब बारीकी से जांच की तो उसके होश उड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि एलवी के कान को कॉकरोचों ने अपना घर बना लिया है। ईएनटी यानी कि नाक कान और गले के विशेषज्ञ ने बताया कि उन्हें जांच में 10 से अधिक कॉकरोच के जीवित बच्चे मिले, जो कान के अंदर इधर उधर घूम रहे थे। डॉक्टर के मुताबिक काले और भूरे रंग वाली मादा कॉकरोचों की तुलना में बच्चों का रंग हल्का था। विशेषज्ञ ने सबसे पहले चिमटे की मदद से पहले बड़े शरीर वाले मादा कॉकरोच से एक एक करके बच्चों को निकाला। कान में कॉकरोच पहुंचे कैसे, इस बारे में रिपोर्टों में चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। दरअसल इन महोदय को एक बुरी आदत थी, रात का बचा खाना बेड पर ही बगल में रखकर सो जाते थे। इससे कीड़े मकोड़े और कॉकरोच उन्हें खाने के लिए पहुंच जाते हैं। इसी चक्कर में एक मादा कॉकरोच इनके कान में घुस गई और अंदर जाकर उसने 10 अंडे दे दिए। बहरहाल कॉकरोचों को कान से बाहर निकालने से एलवी को राहत मिली है। ऐसी ही एक घटना में पिछले साल एक महिला के कान से भी कॉकरोच निकाला गया था, जो 9 दिन तक वहां मौजूद था। बीजिंग में 2015 में भी ऐसी ही एक मामला सामने आया था, जिसमें 19 साल के युवक के कान में 25 कॉकरोच रहे थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।